व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ओप्पो के कलर OS 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बारे में। और अगर आप लोगों के पास में एक ओप्पो का एप सीरीज का डिवाइस है ना, वो यहाँ पर है, तो आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो के एप सीरीज के ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जिनके अंदर आपको ओप्पो का कलर OS 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कब तक मिलेगा कन्फर्म मंथ है ना वो भी बताने वाला हूँ, और साथ में ये भी कि अपडेट की टोटल साइज है वो यहाँ पर कितनी होने वाली है। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, और साथ ही में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे इंडिया में अपडेट आएगा तो आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइस के अंदर आप लोगों को अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है ओप्पो का कलर OS अपडेट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो सो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपडेट अगस्त के मंथ के अंदर, फिर सितंबर के मंथ के अंदर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप लोगों को जो ओप्पो का एप सीरीज का डिवाइस है ना फर्स्ट डिवाइस है उसके अंदर आपको अपडेट है वो यहाँ पर अक्टूबर का मंथ है इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट डिवाइस है ना वो यहाँ पर मिलेगा ओप्पो F21 Pro। सो ओप्पो F21 Pro जो डिवाइस है ना इसके लिए आपको अपडेट है वो यहाँ पर अक्टूबर का मंथ है ना इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाद में बात करते हैं नवंबर के मंथ के बारे में। सो नवंबर के मंथ के अंदर आपको अपडेट है ओप्पो F21 Pro 5G और ओप्पो F19 Pro Plus, तो इन दोनों डिवाइस के अंदर आप लोगों को अपडेट है वो यहाँ पर नवंबर का मंथ है इसके अंदर कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और ओप्पो के डिवाइस के बारे में। अगर आपको ओप्पो के कलर OS 13 अपडेट के फीचर के बारे में यहाँ पर जानना है तो आप लोगों को यहाँ पर जरूर से इस वीडियो को वॉच कर लेना है, और जो मेरी नई वीडियो है इस वीडियो को वॉच कर लेना है। दोनों वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कौन कौन से फीचर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं ओप्पो के कलर OS 13 अपडेट के अंदर। और अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद आ रहा है तो इसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर सर्च करने के बाद में सहेज वॉलपेपर का आपको टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि ओप्पो एप सीरीज के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो इसके अंदर आपको ओप्पो F19 Pro, ओप्पो F19, ओप्पो F19S, तो गाइस एप सीरीज के आप लोगों को इतने ही डिवाइस मिलते हैं जिनके अंदर आपको अपडेट है वो 2023 की ईयर है इसके अंदर मिलेंगे। बाकी जो आपको ओप्पो F11 की सीरीज, ओप्पो F15 की सीरीज और ओप्पो F17 और ओप्पो F17 Pro, सो इन डिवाइस के अंदर आप लोगों को अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो सेड न्यूज तो है लेकिन यही ऑफिशियल न्यूज है ना जो कि ओप्पो की तरफ से साम निकल के यहाँ पर आ रही है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये ऑफिशियल न्यूज है, आगे से आप लोग पर ऐसे कमेंट ना करना कि हमारी डिवाइस के अंदर अपडेट कब तक आएगा, जैसे कि ओप्पो F17 Pro डिवाइस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर अपडेट है ना वो यहाँ पर नहीं आएगा। गाइज अगर आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो है वो जरा सी भी हेल्पफुल रही तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अपडेट की टोटल साइज है वो कितनी यहाँ पर होने वाली है। सो अपडेट की टोटल साइज है वो आप लोगों को यहाँ पर 4GB से 5GB के बीच में कितनी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है डिपेंड करता है ओप्पो पे। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।